outside. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैंने सब कट करके रखा है मैगी के लिए। तो आज सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट है मैगी, जो कि यहाँ पे बन गई है। तो चलिए मैं अभी यम खाती हूँ, फिर बाद में आपसे बात करती हूँ। और आगे है लास्ट डे का गरबा। जर्नी थी, मतलब कि हारपीच बीमारी की, वो नागिन हम बोलते हैं ना, इसलिए मुझे वो याद नहीं रहता। तो जब मुझे नागिन हुई थी, तो वो जब मैं बीमार थी उस टाइम पे परी क्या करती थी या हमने क्या क्या किए, वो जो छोटी छोटी क्लिप्स है ना, वो मैंने शूट करके रखी है। तो सोचा कि वो आपके साथ शेयर करूँ, जैसे कि आपको पता चलेगा कि उस टाइम पे भले मैं बीमार थी, लेकिन बहुत कुछ होता रहा। परी की मस्ती चलती रही, कुछ नए नए आइटम राज बनाते गए, वो खाते गए हम। ये सब जो मतलब पिछले 2-4-8 दिन की जो भी छोटी छोटी क्लिप्स है, वो मैंने शूट की। तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इन दिनों में हमने किया क्या, थोड़ी बहुत हमारे खुशी वाले पल उस टाइम के, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए देखिए। ऑफर चल रही थी, तो दो डायपर के पैकेट मुझे 950 में मिले, 62 एक में होंगे। तो ये देखें, एल साइज मंगवाए मैंने, 62x2 पैकेट्स आए और 950 में पड़े थे, तो मैंने मंगवा लिया था। तो ये आया है डायपर का बॉक्स परी का। और परी मैडम तो उसके ऊपर चढ़ रही थी, वो इतनी मस्ती कर रही थी कि पूछे मत।
उसके ऊपर जाके बैठ रही थी, खड़ी भी हो रही थी खुद ब खुद, और उतर भी रही थी, और वो ना एकदम उसके हाइट में आ रहा था, इसलिए उसको इतना मज़ा आ रहा था कि उसमें वो मतलब क्या बोलते हैं मांडी डाल के बैठ रही थी मस्त मज़े में। तो ये आया था परी के डायपर का। बहुत मस्त, मुझे तो बहुत पसंद आया था, और 77 में था शायद, डिलीवरी फ्री थी, तो उसके ऊपर लिखा स्वीट होम, और 4 हुक दिए वहाँ पे आपको की टांगने के लिए, और वो टांगने के लिए भी ऊपर एक हुक दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसको मैंने अभी फ़िलहाल तो किचन में टांगा है, उसके लिए जगह ढूंढ रही हूँ कहाँ पर टांगूँ, तो देखते अभी कहाँ पर जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल वो किचन में। तो कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बॉक्स खोल रही थी, तो एक्चुअली मैं ऐसे खोल रही थी, लेकिन मेरे बाजू के भाभी और वो लोग सब बैठे थे, मुझे चिढ़ा रहे थे इसका भी शूट करो, तो मैंने बोला करो उसमें क्या है, इसलिए शूट करने के लिए था अचानक, और तो उन्होंने पकड़ा था और वो शूट कर रहे थे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बॉक्स आया था, बॉक्स भी इतना अच्छा था कि मेरे बॉक्स में भी जान अटकी थी। मुझे ये पसंद आते बॉक्स थैलियाँ जमा करके रखना, उसका यूज़ होता है इसलिए। तो ये देखिए इसके अंदर 62 डायपर के 2 पैकेट्स है, और वहाँ पे प्राइस भी है 9.49, जैसे मैंने कहा 950 के, और एक में 62 डायपर से। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे राज की छुट्टी थी, तो यहाँ पे राज मस्त भजिया बना रहे, और ये चाय, ये दोपहर के हमारे स्नैक के लिए बना गया था अचानक से सोचा कि चलो बनाया जाए, तो भजिया चाय और पाव भी थे एक्चुअली, तो इसलिए हमारा स्नैक था टी टाइम स्नैक। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ अभी बाद में। आप लोगों ने तो जो टाइम था वो खुशी खुशी से थोड़ा दुख से निकल गया, हंसते रोते हुए, मैं ही रोई थोड़ी बहुत लेकिन फिर भी निकल गया। अभी काफ़ी हद तक सब ठीक हो चुका है, जल्दी से बस ये घाव ठीक हो जाए तो मैं वापस अपनी वापस पहले वाले रूप में आ जाऊँ। और इस ये सच कहूँ ना, इस टाइम में ना कुछ चीज़ों का बहुत हर्ट हुआ, कुछ चीज़ों का बहुत बुरा लगा, और बहुत कुछ पहचानने को मिला, कौन अपना है कौन पराया है ये समझ में आ गया, किसको मेरी फिक्र है किसको नहीं ये भी समझ में आ गया। रानी 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 बस रानी है, तो बस वही तो सोच रही हूँ आगे अभी अच्छे से फिर से ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूँ, देखते कब से स्टार्ट होता है वो। तो आई होप आप लोगों को मेरी हार्पिक जर्नी के जो भी छोटी मोटी खुशी वाले क्लिप्स थे वो पसंद आए होंगे। सोच रही हूँ इस ब्लॉग का यहीं पे करूँ और नेक्स्ट कोई अच्छा सा ब्लॉग लेकर आऊंगी। अभी मुझे स्टोरी टैब भी मिल गया है, तो अभी मैं अपने डेली अपडेट भी थोड़े थोड़े देती रहूंगी आपके साथ, तो जो भी हम डेली करते हैं वो भी मैं आपके साथ छोटे छोटे अपडेट के साथ आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो हैप्पीनेस विद प्रोनो से कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए,
अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी मेरे मन की कुछ हर्ट हुई बातें ना, वो इस बार जरूर आपके साथ शेयर करूँगी। हर बार करती नहीं हूँ, मुझे मैं ना अपने मन में बहुत कुछ ऐसे दबा के रखती हूँ, मुझे ऐसे बाहर निकलने का ये नहीं, अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। मुझे नहीं पसंद कि मैं सबके साथ अपने दुख भरी बातें शेयर करूँ। मैं रो रू तो मैं क्यों सारी दुनिया को रुलाती बैठू, मुझे ऐसा लगता है। पर कभी अभी ना आपको वो, आप अगर ओवर ज्यादा खाना खा लेते हो तो कभी कभी उल्टी होकर निकलता है ना, तो इस बार मुझे वही हुआ, बहुत ज्यादा वो हुआ कि हाँ उस दिन तो मैं एक बार, मतलब जिस दिन मुझे चल रहा था नागिन बीमारी, एक बार सुबह 4 बजे उठ के मैं रो रही थी, 4 बजे से 6 बजे तक, तो मैं उल्टी कर रही थी, मतलब सब अंदर का निकल रहा था ये वो जो जो हुआ ना मेरे साथ उस सब। तो देखते हैं, अगर पॉसिबल होता है इस बार आपके साथ भी कुछ चीजें शेयर करूंगी लाइफ के। आपके लाइफ में ना बहुत कुछ चीजें होती रहती, बुरी भले अच्छे, हम अच्छे मोमेंट आपके साथ जरूर शेयर करते हैं कि आज हमने फ्रिज लिया, आज हमारे साथ ये हुआ, आज हमें 10 रुपए मिले, 5 रुपए मिले, तो भी हम आपके साथ शेयर करते या कुछ भी हुआ अच्छा चीज, बट ना दुख के हर एक मोमेंट नहीं शेयर करते। वो इसीलिए क्योंकि हम आपको भी दुखी नहीं करना चाहते। हमें ऐसा लगता है क्यों हम आप अपना रोना आपके पास रोए ऐसा, पर होता है इंसान के चेहरे पे स्माइल दिखती ना। मुझे ना मेरे काफी सारे व्यूवर्स बोलते हैं कि मैं जब भी ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं स्माइल के साथ करती हूँ, मेरे पूरे चेहरे पे स्माइल रहती पूरे ब्लॉग में, लेकिन वो स्माइल के पीछे बहुत कुछ दबा रहता है। जब इंसान बहुत ज्यादा हंसता है ना तो उसके पीछे भी ऐसा रहता है कि आपके अंदर बहुत कुछ जमा हुआ है, इसीलिए आप हंस के दिखा रहे हो दुनिया को, ये बात भी होती है। तो यही कुछ है, देखते कब पॉसिबल होता है कि आपके साथ शेयर कर पाओ। तो बस वही तो सोच रही इस ब्लॉग करने यहीं पे कर दूं, पर ये अभी सोई है तो इसलिए ब्लॉग अभी स्टार्ट किया था, ब्लॉग में मतलब सोचा कि आप लोगों से बात कर लूं, इसीलिए अभी तो क्रीम लगानी है, अभी यही चल रहा है, क्रीम लगाओ लेप लगाओ, क्रीम लगाओ लेप लगाओ, क्रीम लगाओ लेप लगाओ, यही चल रहा है। और इस सारी जर्नी जो गई ना बहुत अच्छे से गई, इसमें बहुत कुछ चीजें पता चली, लेकिन ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।